वहीं कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पहली प्रेफरेंस वाले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह होंगे और दूसरी प्रेफरेंस पर फूल सिंह बरैया होंगे। वरीयता का क्रम तय करने के बाद रविवार को बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर दलित विरोधी कांग्रेस हैशटैग के साथ एक कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सामंतवादी होने का आरोप लगाया और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया। प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने भी अपने ट्विटर पर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो प्रवक्ता भी पीछे नहीं रहे। साथ ही बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज भी जारी किए, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बरैया को दूसरी वरीयता उम्मीदवार बनाने के पीछे कांग्रेस को सामंतवादी सोच वाला करार दिया। देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, हैशटैग दलित विरोधी कांग्रेस, इस हैशटैग के साथ बहुत सारे ट्वीट बीजेपी नेताओं की तरफ से किए गए। कांग्रेस सामंती सोच से ग्रसित है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आती है कि सामंती सोच हो, लेकिन किसी का अपमान करना, क्यों तो माननीय फूल सिंह बरैया जी को प्रत्याशी बनाया और क्यों हारने के लिए बना दिया? गुनाह बेलज्जत करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं। क्या जिंदगी भर का सामंती सोच का पटका कांग्रेस ने ले रखा है कि एक ही व्यक्ति को बनाएंगे? बरैया जी को क्यों नहीं मौका मिल सकता? हमेशा से शोषित पीड़ित दलित पिछड़ों के प्रति ये भाव कांग्रेस का रहा है, वो उन्हें छलती आई है और इस बार भी हमारे दलित भाई को छला गया। दलित विरोधी कांग्रेस के लिए फूल सिंह बरैया कोई पहला नाम नहीं है। इसके पहले आदिवासी नेता शोभानु सिंह सोलंकी जी, वरिष्ठ ओबीसी नेता स्वर्गीय सुभाष यादव जी, जमुना देवी जी, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता रहे हैं जिनको कांग्रेस के नेतृत्व ने ठगा है, धोखा दिया है। और कांग्रेस के सामंतों ने मुख्यमंत्री पद हो या पीसीसी अध्यक्ष का मामला, उस पर अपना कब्जा जमाया है।